बड़ी खबर के साथ सीकर के खंडेला से खबर है, पूर्व मंत्री की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। नीलगाय को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई गाड़ी। गाड़ी में सवार पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया चोटिल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खंडेला पुलिस और बाजिया का राजकीय चिकित्सालय खंडेला में उपचार करवाया गया। फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया। समर्थकों में भी इस चीज को लेकर चली संतोष है कि ज्यादा चोट उन्हें नहीं आई। खंडेला से अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे गढ़भौजी। इस दौरान कामच रोड पिपनौदा के पास ये वाहन उनका दुर्घटना का शिकार हो गया। नीलगाय को बचाने के फेर में ये वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ। हालांकि ज्यादा चोट उन्हें नहीं आई और इस चीज का इत्मीनान तो समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, उनके प्रशंसकों में है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। एक नीलगाय गाड़ी के सामने अचानक से हार गई और उसके बाद गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया। नीलगाय को बचाने के चक्कर में पेड़ से गाड़ी टकरा गई। गाड़ी में सवार पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया इसमें चोटिल हुए। तुरंत वहां से उनको अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार हो चुका है और उपचार के बाद उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजकीय चिकित्सालय खंडेला में उपचार करवाया गया। फिलहाल पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया स्वस्थ बताए जा रहे हैं। चलिए से खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खंडेला से स्थानीय सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, पूरी जानकारी चाहेंगे। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था पूर्व मंत्री का, क्या स्थिति अभी? जी, बताना चाहूंगा कि पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया थे, वो रोज की तरह अपने निवास स्थान खंडेला से अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गढ़भौजी जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में एक नील गाय आ गई, उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी जो पेड़ से टकरा गई, उसके बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में एयरबैग लगने के कारण वो खुले उनकी छाती में लगा है अभी, और आज के चिकित्सालय खंडेला ले जाया गया। सूचना के बाद खंडेला पुलिस मौके पर पहुंची है फिलहाल, और उनका चेकअप करवाया गया है। फिलहाल पूर्व राज्य मंत्री है, वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। जी ठीक है अनिल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। देखिए जिस तरह से जानकारी हमारे सहयोगी अनिल आपको दे रहे थे कि हालांकि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई लेकिन एयरबैग्स होने की वजह से ज्यादा चोट उन्हें नहीं आई और तुरंत वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। रोज का रूटीन जिसमें कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वो जा रहे थे और इस दौरान ये गाड़ी सामने नीलगाय के अचानक आने से क्षतिग्रस्त हो गई और तस्वीरों में आप देख रहे हैं पेड़ से जा टकराई। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें। राहत की बात तो इसमें ये ही रही कि एयरबैग्स गाड़ी के समय रहते खुल गए और इस टक्कर के बाद पूर्व मंत्री को ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि कुछ चोट उन्हें आई है लेकिन उसका उपचार किया जा रहा है। गंभीर यह हादसा हो सकता था अगर इस गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुलते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर काफी असंतुलित होकर सड़क किनारे इस खड़े पेड़ से जाकर के ये गाड़ी जा टकराई। और हुआ ये कि सामने अचानक से नीलगाय आ गई थी। नीलगाय के आने की वजह से गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया और सामने रहे पेड़ से जा टकराई।